मां सरस्वती छात्र संगठन ने किया विधायक कार्यालय का घेराव, दिया धरना विधायक पति का फूका पुतला। जी हां, गत दिवस मां सरस्वती छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने दोपहर को विधायक लीना जैन के कार्यालय पहुंचकर जमकर भारत माता के नारे लगाए। आपको बता दें, पिछले महीने मां सरस्वती छात्र संघ के सदस्य शहर में निशुल्क पुस्तकालय के संबंध में विधायक से मिलने पहुंचे थे। तब वहां पर जय श्री राम के नारे पर विधायक पति ने आपत्ति जताई थी। विधायक प्रतिनिधि ने नारे लगाने के लिए मना कर दिया था, जिसे लेकर मां सरस्वती छात्र संगठन के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी विधायक कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रस्तुत है गंज वसोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। भारत माता के युवा सकते माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पूर्व में आज से 17 दिन पूर्व 20 तारीख को 20 मार्च को हम एक निःशुल्क पुस्तकालय संबंधी मांग को लेकर माननीय विधायक महोदय के कार्यालय गए थे। चूंकि उन्होंने पहले कहा था कि आप लोग कार्यालय आए, वहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। चूंकि विधायक महोदय की अनुपस्थिति थी विधायक कार्यालय में, उनके पति महोदय उपस्थित थे। हमारे संगठन से हम कहीं भी जाते हैं तो हम उद्घोष भारत माता की युवा शक्ति के नारे लगाते हैं। चूँकि उनको पता लग जाए कि कौन सा संगठन आया है, जो हमने विधायक कार्यालय के जब भारत माता की युवा शक्ति के नारे लगाए, क्योंकि वहाँ से कोई जिम्मेदार अधिकारी या विधायक पति महोदय बाहर नहीं आए ज्ञापन लेने या विषय सुनने, तो फिर हमें अंदर बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कोई एक चैम्बर में आके बात कर ले। हम दो लोग गए तो उन्होंने जाते से ये शब्द कहे कि आप लोग हमसे लड़ने आए, किस तरीके से आए। तो मैंने कहा चाचा, कोई भी संगठन हम आते हैं तो भारत माता के उद्घोष के नारे लगाते। कहला ये आपका तरीका ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कहला इस तरीके से नहीं आना आप कार्यालय में, ठीक है। कहला आप किस विषय को लेके आए, जब आप हमें सम्मान नहीं दे पाए तो हम आपको क्या विषय बताएं। उसी के संबंध में आज हमने जिलाध्यक्ष जी को भी पहले पूर्व में ज्ञापन दिया था, पार्टी फोरम पे ही बात रखी। आज 17 दिन बाद आज हम उनके कार्यालय गए थे कि भगवान ने, ईश्वर ने उन्हें सद्बुद्धि दे दी हो और आज वो नगरवासियों से सभी से माफ़ी मांग लें, भारत माता के नारे ही लगा दें। तो उन्होंने ऐसा कोई ना करके वीडियो कॉल किया, क्योंकि वो मतलब हमें जानकारी प्राप्त है, आश्वस्त हैं, इसलिए वीडियो कॉल के जरिए हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने ऐसी कोई माफ़ी मांगना स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद हमने नेहरू चौक पे आके विधायक पति महोदय का पुतला दहन किया।